वेलकम बैक, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है बड़ा सपना देखो। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे और मुंबई, ये हमारे हॉस्पिटल्स है और मनोविकार सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ मैं करके प्रैक्टिस करता हूँ। मनोरोगों तथा व्यसनी लोगों को हम रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा मिशन है। इसमें लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, ये भी मेरा फर्ज में समझता हूँ। मैंने सपना जितना सोचा था उतना मैं अमीर बन गया। मैंने जितना सपना सोचा था, सपने में जितना देखा था उतना मैं अमीर बन गया। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि मैंने सपना ही छोटा देखा था। प्रॉब्लम क्या है कि हम सपने बड़े देखते ही नहीं है, हमने सपने बड़े देखे ही नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि लो एम इज अ क्राइम, छोटा सपना देखना यह गुनाह है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमने सपने बड़े देखे और हमने वो हासिल नहीं किए, प्रॉब्लम यह है कि हमने छोटे सपने देखे और वो हासिल किए। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ बड़े सपने देखने के लिए, कि बड़ा सपना देखो, हमेशा बड़ा सपना देखो और वो हासिल करो। ऐसा बोला जाता है कि आप चांद पे जाने का सपना देखो, कुछ नहीं तो एकरा सितारा तो हाथ में आ जाएगा, मट्टी डेफिनेटली हाथ में आएंगी नहीं, तो बड़ा सपना देखो। जो असामान्य और बहुत बड़े व्यक्ति हुए उन्हें बहुत बड़े बड़े सपने देखे। जॉन एफ केनेडी सपना देखा कि आदमी चांद के ऊपर पहुंच जाएगा। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, धीरूभाई अंबानी, जैक मा, रामदेव बाबा, आप नाम लो, जो भी बड़े बड़े लोग हो गए उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे और बड़े सपने देख के वहाँ तक वो पहुँच गए। प्रॉब्लम यह है कि हम छोटे सपने देखते हैं और वो हासिल कर लेते हैं। आपने जो संभव है और जो सामान्य है उतना ही सपना देखा, उसके ऊपर ही आपकी नज़र गई, उतना ही आपने सोचा, तो आपको जो संभव है और जो सामान्य है वही मिलेगा, बड़ा मिलेगा नहीं। तो फिर बड़ा सपना किसको देखते हैं? बड़ा सपना उसको ही देखते हैं कि जो सपना सुन के यदि आजू बाजू के 5 लोग आपको पागल नहीं बोलते, यदि आपके आजू बाजू के 5 लोग आपके ऊपर हंसते नहीं हैं, कह रहे क्या बात कर रहा है, ऐसा संभव है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं, तू क्रेजी है, पागल हो गया क्या, कुछ भी सोचता है, ऐसा यदि 5 लोग बोलते समझ जाना अपना सपना बड़ा है। यदि आपके आजू बाजू के लोग बोलते कि हाँ तू ये कर सकता है, ये तेरे लिए संभव है, समझ जाना कि ये सपना आपके लिए बहुत छोटा है। तो डेफिनेटली जब आप सपना देखते हो, बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हो, बड़ा उद्देश्य निर्धारित करते हो, बड़े गोल्स रखते हो, आपके आजू बाजू के 5 लोगों को सुना उन्हें आपके ऊपर हंसना चाहिए कि ये संभव नहीं है। और होता क्या है कि जब जब आप सपना शेयर करते हो, लोगों को बोलते हो, तो लोग हंसते हैं और वो हंसने के बाद में आप डाउन हो जाते हो। एक्चुअली लोग आपके ऊपर जब हंसते हैं तो लोग तो सपने चोर है, वो तो आपके ऊपर हंसेंगे, वो तो लोग बोलेंगे ये तेरे लिए संभव नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते हो। पर आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, उसको सुनो और बड़ा सपना देखो, बड़े गोल्स रखो और वो अलग 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 7 एरियाज में रखो। वो लक्ष्य जो अलग अलग 7 एरिया में निर्धारित करो। नंबर 1 आपका करियर मतलब व्यवसाय, नंबर 2 आपका अर्थार्जन अर्थव्यवस्था, उसमें क्या आपका गोल है, नंबर 3 आपका रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, नंबर 4 आपके पर्सनल गोल्स या फिर आपके पर्पस क्या है, नंबर 5 आपका स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ आपकी कैसी है, नंबर 6 आपके रिश्ते कैसे हैं, रिलेशनशिप्स, और नंबर 7 समाज के लिए आप योगदान क्या करते हो। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में आपके जो टारगेट्स है, आपके जो गोल्स है, आपके जो लक्ष्य है वो निर्धारित करो, उसका प्लान बनाओ, वो कैसे हासिल करना, उसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम एक बनाओ, उसके लिए कौन से एक्शंस लेना है वो जरूरी करो, वो जरूर लिखो। देखो ऐसा आपने लिखा है कि मुझे ना 1 करोड़ का फ्लैट लेने का है, ऐसा आपने लिखा तो उसे कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ का फ्लैट लेना या 1 करोड़ का फ्लैट मैं खरीदूंगा या 1 करोड़ का मकान मैं खरीदूंगा, ऐसा लिख के कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ का मकान आपने लिखा कि मैं खरीदने वाला हूँ या फ्लैट खरीदने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं क्या क्या करूँगा एक्शंस, तो वो भी लिखो कि
कि उसके लिए मैं कौन सी कृति करने वाला हूँ, क्या क्रिया करने वाला हूँ, वो भी उसके सामने लिखो। और आपको जब वो लिखेंगे मालूम पड़ेगा कि कौन सी एक्शन मैं लूँ ताकि वो हासिल करने के लिए या उसके तरफ मैं आगे जाते जाऊँगा। अभी तक इतना ही सही है, इतना ही काफ़ी है। काफ़ी सारे लोग हैं कि जो सपने छोटे देखते हैं और वो सपने छोटे देख के वो छोटे सपने हासिल करते हैं। बड़े सपने देखो, ये मैसेज आप सब तरफ फैलाओ, आपके दोस्त के तरफ, मतलब जितने लोगों को आप जान के हो, आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक के ग्रुप है, सबके ऊपर ये करो। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारा देश महान बन जाएगा। लोग बड़े सपने देखेंगे, बड़ा हो पाएंगे, बड़ा करेंगे हमारा देश। तो आपके सभी ग्रुप के ऊपर, आपको अच्छा लगा ये ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो बेल आइकॉन आता है ना उसके ऊपर हिट करो, क्लिक करो, ताकि मेरा जो वीडियो है वो मेरे वीडियो का इंटीमेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।